मशहूर डांसर सपना चौधरी की बड़ी मुश्किलें। लखनऊ की कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी का वारंट। कोर्ट ने कहा सपना चौधरी को गिरफ्तार कर पेश किया जाए। जी हां, अपने यूनिक डांस से फेमस हुई मशहूर डांसर सपना चौधरी की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। लखनऊ की कोर्ट ने सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। ACJM कोर्ट ने आदेश में साफ कहा कि सपना चौधरी को गिरफ्तार कर पेश किया जाए। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया हो। इससे पहले भी सपना के खिलाफ 18 नवंबर 2021 में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। ACJM कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 30 अगस्त को तय की है। लेकिन यहाँ जरूरी सवाल ये उठता है कि आखिर कौन से मामले को लेकर कोर्ट ने ये फैसला दिया। दरअसल सपना चौधरी के खिलाफ 13 अक्टूबर 2018 को लखनऊ के आशियाना थाने में FIR दर्ज हुई थी। आयोजकों का कहना था कि सपना चौधरी ने डांस शो के नाम पर लाखों रुपए जमा करवा लिए, उसके बाद कार्यक्रम में नहीं आई और शो रद्द करना पड़ा। आयोजकों ने सपना पर रकम हड़पने का आरोप लगाया था। बता दें कि आज इस पूरे मामले को लगभग 3 साल से ज्यादा होने को है। न्यूज एजेंसी के अनुसार 13 अक्टूबर 2018 को दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक स्मृति उपवन में सपना चौधरी का डांस शो समेत अन्य कार्यक्रम थे, जिसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट 300 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से बेचे गए थे। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में टिकट लेकर लोग मौजूद थे, लेकिन सपना चौधरी रात 10 बजे तक नहीं आई। इस पर दर्शकों ने हंगामा किया। इसके बाद टिकट धारकों के पैसे भी वापस नहीं किए गए। कोर्ट ने 4 सितंबर 2021 को इस मामले में सपना चौधरी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी। अब सपना समेत अन्य सभी आरोपियों पर मामला तय करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि अब देखना यह होगा कि इस मामले में आने वाली तारीख तक सपना की ओर से क्या कुछ अपडेट सामने आता है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट UP तक।